धंधा पत्र कहना है गिरजा मंदिर जाना है। सबला प्रभु घुटना हमला टेके लाऊ जाना है। माता संत आए हैं जय मसीह। जय मसीह की मेरे प्रियो, जैसे कि परमेश्वर के कलाम लुका दे आए 1:32-33 आयत में लिखा है, वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा और वो याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। तो जहाँ पर परमेश्वर का कलाम प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहा है कि प्रभु यीशु के राज्य का अंत नहीं होगा, और आज हम देखते हैं कि चाहे कोई भाषा हो, कोई भी देश हो, कोई भी समुदाय हो, वहाँ पर हर धर्म हर जाति के लोग प्रभु यीशु को जानते और मानते हैं। और जिस इंसान को प्रभु यीशु का आत्मा छू जाता है तो वो इंसान चाहे कोई भी हो, वो इंसान प्रभु यीशु का सुसमाचार सुनाए बिना नहीं रह सकता और वो दा उम्र प्रभु यीशु की प्रशंसा करता है। ऐसे ही जब भारत में रहने वाले एक साधु को परमेश्वर के रूह ने छुआ तो वो कैसे प्रभु यीशु की स्तुति और महिमा करने लगा, आइए देखते हैं इस वीडियो के जरिए। यहाँ आने वाले जय मसीह बोलो, जय मसीह बोलो सब कोई, जय मसीह, जय मरियम, जय जय मरियम, जय यीशु। कुंवारी माता मरियम रहे भारी है भक्तिन माँ, फड़ी रहे ओ भक्तिन माँ। स्वर्ग दूत हाँ आके वाला, स्वर्ग दूत हाँ आके वाला, देवत हाँ संदेशा माँ, देवत माँ संदेशा रे देवत। तो मेरे प्रियो, अगर आप भी प्रभु यीशु का सुसमाचार सुनाते हैं रू और सच्चाई के साथ तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, अगर नहीं तो इग्नोर करें। सबको जय मसीह।